वाह, कौन सा पौधा लगा रहे हैं आप? ये है उसका, सहजन का। अच्छा, इसके कुछ गुण बताइए, क्या होता है सहजन, कुछ पता है? इसे चेचक नहीं होता है। हाँ? इसकी सब्जी बनती है। हाँ? इसके फूल के पकौड़े बनते हैं। अच्छा, मतलब पता है। बहुत फायदा कारक। हाँ। तो पौधा भी लग जाता है और इससे कुछ फायदा भी हम लोगों को मिल जाता है। अच्छा, शुद्ध हवा भी मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो करो अंकल को। आपने कौन सा पौधा लगाया? सहजन। हाँ। देखिए, ये सारे प्लांट आए हैं और स्टेलर वन के बिल्कुल पीछे साइड में कुछ हिस्सा है जहाँ पे प्लांटिंग हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे कितना पौधा आया था? कितना पौधा है अभी? 100-150। अच्छा, लगभग 100-150 पौधा आया था। उसमें सभी पौधा लग चुका है। उसमें कई तरह के पौधे हैं, जिसमें जामुन है, सहजन है और भी कई तरह के पौधे हैं। आप भैया क्या पौधा लगा रहे हैं? ये सहजन का। अच्छा, इसके कुछ गुण बताइए, सहजन का पौधा से क्या फायदा? इसके लिए बेनिफिट होता है। हाँ। खाना भी चाहिए, इसकी पत्ती से लेके फूल। हाँ। और इसकी जो फली जो आती है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा, क्या संदेश है आज हमारे पूरे व्यूअर्स के लिए? संदेश बहुत अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, कहाँ आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए? कहाँ के रहने वाले आप? हम हैं बेसिकली, हम तो उत्तराखंड के हैं। अच्छा, अच्छी बात है। उत्तराखंड में कोई फेस्टिवल आता है अभी कुछ ही दिन? हाँ, पहले हुआ है, आता है। हाँ, वो भी हरेला मंद, हरियाली से रिलेटेड होता है। अच्छा, उसमें भी प्लांटेशन करते हैं हमारे। तो उद्देश्य क्या होता है फेस्टिवल का? नहीं, जो के कहते हैं अपना जो फसल जो आती है उसके उद्देश्य के लिए होता है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है, हमने जहाँ तक सुना, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या प्लांटेशन है, जो हमारे देश में जो अभी जिस तरह का अनवांटेड एनवायरनमेंट आ रहा है, उसमें उसको बचाव करने के लिए ये हरेला फेस्टिवल के थ्रू हम प्लांटेशन करते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट हो वो सुरक्षित रहे। इस तरह का भी कुछ इंडिकेशन है क्या उसमें? बेसिकली तो वो होता इसीलिए ही है, क्या कहते हैं अपना, हरियाली से रिलेटेड ही होता सारा का सारा। बट हमारे जो उत्तराखंड में ना बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्री जिसे कहते हैं, तो वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। अच्छा, वो थोड़ा बहुत हमारे पहाड़ों के लिए भी थोड़ा सा एक अभिशाप कह सकते हैं उसके लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ज़्यादा पेड़ों को उगने नहीं देता वो चीज़। अच्छा, हम कोई भी पेड़ उगाएं, जैसे जामुन से लेके कोई भी एक्सवाइजेड पेड़ भी लगाते हैं, तो ग्रो नहीं होने देता। अच्छा, उसको कम करने के लिए थोड़ा सा और उनको आगे बढ़ाने के लिए तो प्लांटेशन जरूरी है। और वो क्या करता है, जितना भी वाटर होता है तो वो सारा का सारा वाटर खींच लेता है अपनी तरफ, तो ज़्यादा प्लांटेशन होने नहीं देता। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन पौधा लगाया आज? मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर सहजन और आपका आंवला और जामुन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। पालक,
आज पर्यावरण बचाने के लिए स्टेलर वन सोसाइटी के जस्ट पीछे एक पार्किंग, छोटा सा पार्किंग है, इसमें लगभग 100-150 पौधा लगाया गया है। उसमें आप छोटे देख रहे हैं, आप छोटे बच्चे से लेके बड़े सीनियर्स तक यहाँ पे आए हुए हैं और सबने अपना अपना योगदान दिया है और एक एक पौधा सभी ने लगाया है। तो हम सबसे पूछेंगे कि छोटा छोटा ये पौधा जो लगाया है, कोई जामुन लगाया है, कोई सहजन लगाया है, एक एक लाइन में बताएंगे इनकी क्या क्या विशेषता है। और ये संदेश है हम सब देशवासी के लिए कि आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक पौधा लगाएं। शिशिर जी, आपने कौन सा पौधा लगाया? मैंने सहजन का पौधा लगाया है। क्या इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि इन फ्यूचर होगा तो हमारे सोसाइटी वाले को भी मिलेंगे और लोग भी इनका लाभ उठाएंगे। आप अपना नाम बताइए। ललित जी, आपने भी बहुत सारा पौधा लगाया है, जामुन के, सहजन के और अर्जुन का। जामुन का क्या कुछ एक लाइन में बताइए विशेषता? फल है यार, सभी खाएंगे, सभी का फायदा होगा। फल है, ठीक है, उसमें कई सारे रोग में भी बहुत फायदा करता है। सारे फल कुछ ना कुछ विशेषता। ये अस्थाना जी हैं, आप बताइए। हमने आज इमली के, जामुन के, अर्जुन के पौधे लगाए। ये सारे पौधे प्रकृति के लिए काफी लाभदायक है, हमारे लिए, मानवता के लिए। आज के डेट में, आज के समय में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। पौधे, जितने पौधे लगेंगे हमारे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वो मानव के लिए, हमारे लिए फायदा। तो नेक्स्ट ईयर क्या हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, प्लांटेशन कुछ और भी बढ़ेगा और भी प्लांटेशन में कोई और नए पौधे हमारे ऐड होंगे? बिल्कुल, हम पीपल के, बरगद के पौधे लगाने की योजना कर रहे हैं नेक्स्ट रोड पे, सड़क पे दूसरी तरफ। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मैं ज्ञानेश गुप्ता, एंड आज हमने इमली और जामुन के पौधे लगाए जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, आसपास जो भी सराउंडिंग ग्रीनरी होगी उतना अच्छा होगा और इससे हमें ऑक्सीजन, जैसे सर ने बताया था कि ऑक्सीजन के लिए और बैलेंस रहेगा, ये जितना भी हम कर सकें उतना ही कम है। बाबू, आपने कौन पौधा लगाया? मैंने इमली का और आंवला का और अर्जुन और जामुन का। वाह वाह वाह। मैंने आंवला लगाया है, जामुन लगाया है, अर्जुन लगाया है। अच्छा। और सहजन लगाया है। अच्छा, मतलब 4-5 तरह के पौधे यहाँ पे आए हैं इस बार। सबसे बड़ी बात विशेषता ये है कि जो हमारी वातावरण जो खराब हो रहा है, जल की क्वालिटी जो खराब हो रही है, सबसे पहले उसको वो ठीक करने में मदद करेगा। अच्छा। हर पौधे की एक विशेषता है, जैसे जामुन लगाया वो फल है, कई रोगों में उसका उपचार के लिए यूज कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। सहजन है, उससे हमें सब्जी मिलेगी और बाकी चीज़ें भी है। आंवला है, जिसको हम एक पूजनीय पौधा मानते हैं, तो माइथोलॉजी में उसको पूजा के लिए यूज कर सकते हैं, उसके फल काफ़ी उपयोगी हम ले सकते हैं। देखो, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। अंकल जी, आप बताइए, आप तो पौधा लेके ही आए हैं, कितने पौधा, क्वांटिटी क्या था पौधा का? 150 पौधे हैं। नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद कर सकते हैं 1000 तक? लगे तो थे। अच्छा, घाट साहब आप बताइए, आपको पौधा, हाँ, आप लोगों ने पौधे बचाना है, हम लोग भी हेल्प करेंगे, लेकिन इसको बड़े करने में आप ही का हाथ होता है। जितने मैंने पिछले 2 साल पहले देखा, बहुत छोटा छोटा पौधा था, आज बहुत बड़ा बड़ा पौधा हो गया है। तो अच्छा, क्या क्या इसमें डालते हैं ये पौधे में? खाद डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी लगाते हैं। अच्छा। और गुड़ाई करते हैं, उसके बाद थमला बनाते हैं। हाँ। अपना नाम बताइए। आप अपना? सत्यवीर। बाबू तुम बताओ। लबिन्या। आपने कौन सा पौधा लगाया? सहजन। तुम? मेरा नाम से है, मैंने सहजन का पौधा लगाया। वाह। आप? यश लवी। आपने कौन पौधा लगाया? जामुन। चलिए, लगभग सभी बच्चे ने पौधा लगाया। आपने भी पौधा लगाया पिट्टू?